फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फन फ्लो में, जहां मैं आप लोगों को ड्रीम इलेवन की टीम देता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इंडियन ओडीआई ट्रॉफी के 3 मैच के लिए बनाई है। जो मैच 27 सितंबर को होने वाला है, पहला मैच है तमिलनाडु और असम के बीच में, दूसरा हरियाणा और राजस्थान के बीच में, तीसरा जम्मू और झारखंड के बीच में। तो फिर जैसा कि पहला मैच है तमिलनाडु और असम के बीच में, असम ने अभी तक अपना एक भी मैच नहीं जीता है और असम सबसे कमज़ोर टीम है टूर्नामेंट की, और उसके कंपेयर में तमिलनाडु बहुत अच्छी टीम है। वैसे तमिलनाडु की भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, तो इसीलिए मैंने असम के सिर्फ 4 ही प्लेयर लिए हैं और तमिलनाडु के 7 प्लेयर लिए हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यही लें। और बाबा इंद्रजीत और अभिनव मुकुंद बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने उन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में चूज़ किया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि असम के ऑलराउंडर ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू तमिलनाडु के, इसलिए मैंने असम के ऑलराउंडर को ज़्यादा प्रेफर दिया हुआ है। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि तमिलनाडु के कम से कम टीम असम के कम से कम प्लेयर लें। और तो ये है मेरी तमिलनाडु और असम की टीम, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे मैच पे। दूसरा मैच जो कि हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो मैच है, इसमें भी हरियाणा ज़्यादा मजबूत टीम है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान। हरियाणा ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, इसलिए मैं उनके मैक्सिमम 7 प्लेयर लेके चल रहा हूँ। और अपोनेंट टीम के राजस्थान के बहुत ही 4 ही प्लेयर लेके चल रहा हूँ, तो इनकी टीम बहुत ही अनस्टेबल है। राजस्थान के कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से नहीं, ये उनके बोर्ड मेंबर्स पे डिपेंड करता है, इसकी कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो फिर ये जो टीम मैं दे रहा हूँ वो रिस्की हो सकती है, तो फिर ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस टीम को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो फिर अब मैं आप लोगों को तीसरा और अंतिम मैच की टीम देना चाहता हूँ, जो कि जम्मू झारखंड के बीच में है। जम्मू और झारखंड के बीच, इनकी अपडेट देने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए मेरी, अब जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर मुझे इस टीम में सडन चेंज भी मिलता है, तो भी मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करके बता दिया करूँगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जम्मू और झारखंड के बीच में जो मैच है, झारखंड एज़ कम्पेयर टू मजबूत टीम है जम्मू के कंपेयर में। जैसा कि ईशान किशन, पहला मैच 100, दूसरा मैच में 250, और उसके बाद उनके ओपनिंग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टीम के ओपनिंग बैट्समैन को ज़्यादा लें, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो दूसरी टीम है जम्मू की, वो टीम कुछ खास अच्छा कर नहीं पाई है टूर्नामेंट में, पर उनके पास प्लेयर बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनके उस प्लेयर्स के थ्रू भी जा सकते हैं। तो फिर आप लोगों को जो मैंने टीम दिखा चुकी है वो आप देख सकते हैं। आपको मैं फिर से अंतिम में टीम दिखा देता हूँ। ये रही मेरी टीम, ये मेरी टीम है जम्मू और झारखंड के मैच की। अब मैं फिर से एक बार और फिर से आप लोगों को दूसरे मैच की भी टीम दिखा देता हूँ। ये मेरी दूसरे मैच की टीम भी आपको एक बार प्रीव्यू करके दिखा, ये मेरी दूसरे मैच की टीम। और ये जो पहले मैच की टीम बनाई थी, ये पहले मैच की टीम है। तो फिर हाँ, इस टीम में ना एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि विजय शंकर अब फिट हो चुके हैं, बट वो मैच से पहले फिटनेस टेस्ट देंगे, तो इनको विजय शंकर को लेना रिस्की हो जाएगा। तो फिर ये भी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि विजय शंकर को आप ले या ना ले। अगर मेरे पास कोई अपडेट आती है विजय शंकर के रिगार्डिंग, तो फिर वो भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़े, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फिर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देख आप सबको।